नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र के पीताम्बरा गेस्ट हाउस के पास के सड़क के किनारे का सा है, जहाँ पर हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से सड़क किनारे ट्रैक्टर बनाकर जो है ट्रैक्टर लगाकर बनी हुई दुकान जो कि ऑटो मैकेनिक की दुकान थी वो जलकर खाक हो गई है। इस संबंध में और जो जानकारी है उसके मुताबिक हाई टेंशन लाइन से जो चिंगारी निकली है और आग जो है देखते ही देखते बहुत तेजी से उसने अपना रूप लिया है, और इसका वीडियो भी किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। और इसी बीच किसी राहगीर ने स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ सामान जलकर खाक हो गया था। और जो मोटर मैकेनिक है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, उसका कहना यह था कि एक मोटरसाइकिल उस दुकान के अंदर ही रखी थी जो सुधरने के लिए आई थी, मरम्मत कार्य के लिए आई थी, वो भी इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। लगभग आप ये मान के चलिए कि 50,000 से 1,00,000 रुपये के ऊपर का नुकसान बताया जा रहा है।